तो अगली प्रॉब्लम है, व्हेन अ गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिवीजन्स स्केल, तो एक किसकी बात, किसकी कहानी सुना रहा है, गैल्वेनोमीटर की कहानी सुना रहा है, उसके मीटर में, पैनल में कितनी डिवीजन्स हैं, 30 डिवीजन्स हैं, और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 100 ओम, तो ये किसकी बात कर रहा है, गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। वगैरह गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं टू अ बैटरी ऑफ EMF 3 वोल्ट, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये मेरा गैल्वेनोमीटर है और ये एक सपोज बैटरी है जो इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और गैल्वेनोमीटर में बैटरी कितने ओम कितने वोल्ट की है, 3 वोल्ट की बैटरी है और साथ में 200 ओम की रेजिस्टेंस है, और जी की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 100 ओम है। तो ये डायग्राम साथ में बना लो, इस न्यूमेरिकल के साथ ये डायग्राम साथ बना लो, याद हो जाएगा करते करते। तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक बैटरी लगाई और साथ में एक रेजिस्टेंस भी लगाई सीरीज में, ये क्वेश्चन है। ये इससे एक हिंट पता लग रहा है कि अगर तुम यहां से करंट निकालो, करंट इलेक्ट्रिसिटी लगा के, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो वो किसका करंट माना जाएगा, गैल्वेनोमीटर का। यहां से जो करंट आएगा उसका नाम IG होगा, क्योंकि वो करंट किस में एंट्री ले रहा है, गैल्वेनोमीटर में, तो उसका नाम IG है, वो I नहीं है, सही है ना यहां तक। तो आपको इस क्वेश्चन में ये वैल्यूज गिवन है, डायग्राम मैंने बना लिया, शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फाइंड फिगर ऑफ मेरिट, और फिगर ऑफ मेरिट किस में निकालनी है, माइक्रो एम्पियर में निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला लिखेंगे, आई का फॉर्मूला लिखें, फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है, आई बाई एल्फा, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था के अपॉन एन बी ए। तो अगर आपको क्या पता लग जाए, के बाई एन बी ए या आई बाई एल्फा आंसर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये फिगर ऑफ मेरिट किसकी निकल रही है, गैल्वेनोमीटर की, तो हमें करंट भी किसका लेना है, गैल्वेनोमीटर का। अगर ये फिगर ऑफ मेरिट नए एमीटर की निकालनी होती तो फिर मैं यहां पर क्या लेता, आई लेता बाय अल्फा। अब वो तो जिस मीटर की बात करेगा उसी की फिगर ऑफ मेरिट निकलेगी, क्योंकि बात यहां एक ही मीटर की हो रही है, गैल्वेनोमीटर की, तो फिगर ऑफ मेरिट गैल्वेनोमीटर का निकालना है, तो गैल्वेनोमीटर का करंट क्या है, IG बाय अल्फा। अब आपको इस क्वेश्चन में IG तो पता नहीं, बैटरी में से जो करंट निकला वो कहां गया, गैल्वेनोमीटर में। बैटरी में कितना करंट निकला, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 200 और 100 मिला के, तो ये एम्पियर में आएगा, मैंने माइक्रो एम्पियर में करने के लिए इसको माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट किया, 10 की पावर 4 आ गया। वैसे आंसर 10 की पावर -2 था, पर माइक्रो के चक्कर में मैंने 10 की पावर 4 करना पड़ा, ताकि कन्वर्ट करके देखोगे, क्योंकि फिगर ऑफ मेरिट मुझे माइक्रो एम्पियर में चाहिए, तो करंट माइक्रो एम्पियर में आ गया। नंबर ऑफ डिवीजन पूरी कितनी है, 30 पूरे, उसने एक बोला कि जो भी ये करंट आएगा इट विल शो फुल स्केल डिवीजन, फुल स्केल करंट है, फुल स्केल का मतलब है पूरी सुई एंड तक जाएगी, जब एंड तक जाएगी तो कितनी डिवीजन क्रॉस करती हुई जाएगी, 30, तो इतना करंट है और 30 डिवीजन में करंट है, आई बाई एल्फा को क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी, माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, फिगर ऑफ मेरिट, सॉरी। समझ में आ रहा है यहां तक, स्टेप नंबर 1 क्लियर। मल्टी रेंज वोल्ट मीटर बनाया गया, मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, मल्टीपल वोल्ट्स को मेजर किया गया यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से ऐसा किया गया। वी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अ वोल्ट मीटर, तो हम क्या कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, वोल्ट मीटर दैट कैन मेजर 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 3 वोल्ट्स मेजर करना चाहता हूं यूजिंग गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, तो ये किसकी बात कर रहा है, गैल्वेनोमीटर की, तो ये 10 ओम क्या है, जी, एंड दैट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। अब ये किसका करंट है, गैल्वेनोमीटर का, दैट प्रोड्यूस का मतलब गैल्वेनोमीटर की कहानी सुना रहे, कि मैं वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूं किससे, एक गैल्वेनोमीटर से, यूजिंग गैल्वेनोमीटर जिसकी ये रेजिस्टेंस है और जिसका ये करंट है, तो इसका मतलब ये IG है, इसका मतलब ये G है, तो IG और G क्लियर है। फाइंड वैल्यू ऑफ R1, R2, R3, आपको न्यूमेरिकल में फिगर गिवन होगी। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसके अंदर, इस फिगर में सिर्फ और सिर्फ पहली रेजिस्टेंस को यूज करता हूं, जी के साथ R1 सीरीज में है, तो ये वोल्ट मीटर बन गया, और ये वोल्ट मीटर कितने वोल्ट मेजर कर रहा है, 2 वोल्ट, ये पहला वोल्ट मीटर है। और अगर मैं जी के साथ R1 एंड R2 दोनों यूज करता हूं, तो ये और हाई रेजिस्टेंस हो गई, एक नया वोल्ट मीटर हो गया जो क्या मेजर करता है, 20 वोल्ट। फिर उसके बाद
जी के साथ मैं तीनों रेजिस्टेंस को यूज करता हूं तो ये कितना मेजर करेगा, 200 वोल्ट। तो बन गया ना वोल्ट मीटर, मल्टीपल वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है। अब वोल्ट मीटर जब बनता है तो वोल्ट मीटर के अंदर जो हमने फॉर्मूला किया था आर कैलकुलेट करने का, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वो ये था, चेक कर लो अपना फॉर्मूला रजिस्टर, यही फॉर्मूला था वोल्ट मीटर में वी कैलकुलेट करने का, यही फॉर्मूला है। आप जी को लेफ्ट हैंड लेफ्ट की तरफ ले जाओगे तो ये फॉर्मूला है, एक ही बात है। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया जो मैं यूज करने वाला हूं। अब मैं तीन केस बनाऊंगा। पहला केस, जब मैं सिर्फ आर वन यूज करूंगा तो यहां पे R की जगह R1, G तो G रहेगा, तो V की जगह क्या यूज करूंगा, 2। IG मुझे पता है, तो यहां से G आपको 10 पता है, इसकी वैल्यू आपने सॉल्व कर ली, सॉल्व करके R1 आ गया, एक आंसर आ गया। फॉर्मूला कैसे यूज करना समझ में आ रहा है, पहले सिर्फ A की रेजिस्टेंस यूज करनी है R1, बस फॉर्मूला इसको यूज करेंगे, R की जगह R1, G हमें पता है, V पता है, IG पता है आंसर। जब मैं R1 के साथ R2 यूज करूंगा तो यहां R की जगह R1 की जगह क्या आएगा, R1 प्लस R2, G का G, V क्या यूज करूंगा, 20 वोल्ट। अभी दो नहीं यूज करूंगा, R1 और R2 मिला के वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, 20 वोल्ट। तो 20 डिवाइडेड बाय क्या यूज करूंगा, IG। तो यहां से R1 तो कैलकुलेट कर चुके हैं, R2 आ गया। फिर तीसरा वोल्ट मीटर के लिए मैं टोटल रेजिस्टेंस को क्या पुट करूंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 पुट करूंगा, और V को क्या पुट करूंगा, 200, 20 की जगह 200। सॉल्व करके R1 R2 निकाल चुके हैं, R3 कैन बी कैलकुलेटेड। आंसर शायद गलत है इसका, क्योंकि ये माइनस करके काफ़ी बड़ी वैल्यू आनी है, ये वैल्यू आएगी नहीं, से क्रॉस कर दो, R3 निकाल लेना जो भी आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, फॉर्मूला वही वोल्ट मीटर का है पर तीन बार यूज करना है, और रेजिस्टेंस को R1, फिर R1 प्लस R2, फिर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कैसे काम करेगा मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, क्लियर है, ठीक। जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम 3 वोल्ट बैटरी वाला क्वेश्चन अभी हमने कर लिया, हमने इसमें ये सब क्वेश्चन कर लिए। आपको जो करना है वो ये करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 27 ये वाला, बाकी आपने करने हैं, होमवर्क है, रिपीट है, आप खुद ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, दो तीन ये बता रहा हूँ। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कंपेयर दी करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, कंपेयर करनी है दो मीटर्स की, और आपको पहले मीटर का ये एन ए बी आर सब गिवन है, आपके दूसरे मीटर का एन ए बी आर भी गिवन है, और आपको क्या चाहिए, कंपेयर, कंपेयर का मतलब रेशियो निकाल दो। तो आप करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला यूज करें, एन बी ए बाई के, ये पहले मीटर की, ये दूसरे मीटर की, इन्हें डिवाइड कर दिया, ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं, वैल्यूज पुट करके रेशियो आ गई आंसर। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि मेरी शीट में ये क्वेश्चन नहीं था, तो ये भी हो गया एक नया क्वेश्चन, कंपैरिजन क्लियर है। ऐसी वोल्टेज सेंसिटिविटी कंपेयर करनी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी बाय आर, यानी कि एन बी ए बाय के आर। तो एक बार फर्स्ट मीटर का, एक बार सेकेंड मीटर के लिए दोनों को आप डिवाइड कर लें, सारी वैल्यूज पुट कर लें, वोल्टेज सेंसिटिविटी की रेशियो आ गई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, एक बार करंट सेंसिटिविटी की रेशियो, एक बार वोल्टेज सेंसिटिविटी की रेशियो, हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पुराने पैक एक्सरसाइज की, और ये बहुत आती है, दोनों के दोनों बहुत आते हैं। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेज बाय 20%। तो जो करंट सेंसिटिविटी जितनी भी है वो 20% मैंने बढ़ा दी, व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, रेजिस्टेंस आर का मैंने 2R कर दिया, करंट सेंसिटिविटी 20% बढ़ा दी, तो बताओ कितने फैक्टर से या कितने परसेंटेज से वोल्टेज सेंसिटिविटी में फर्क पड़ गया। तो करंट सेंसिटिविटी जितनी भी थी 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ गई, 120/100 × IS हो गया, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 2R। तो पहला स्टेप क्लियर है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी इस पुरानी करंट सेंसिटिविटी बाय पुरानी रेजिस्टेंस, नई वोल्टेज सेंसिटिविटी इज नई करंट सेंसिटिविटी बाय नई रेजिस्टेंस, नई वोल्ट नई करंट सेंसिटिविटी 120/100 × IS है, और नई रेजिस्टेंस 2R है, अंदर की टर्म जो बची IS/R, करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस को वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं, तो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 3/5 टाइम्स पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गई।
सही है, तो नई और पुरानी में रेशियो आ गई, अब पुरानी की वैल्यू कम हो गई, 0.60 है, कम हो गई, तो कितने परसेंटेज डिक्रीज हुई? पहले कितनी थी वी एस, अब कितनी होगी वी एस डैश, पहले कितनी थी वी एस इंटू 100, तो आप यहाँ वी एस डैश को पुट कर लें 3/5 टाइम वी एस, सॉल्व करें 40% डिक्रीज हो गई आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है आपने? क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक फैक्टर चेंज होगा तो दूसरा भी, सेंसिटिविटी परसेंटेज पे बहुत पूछी जाती है, कोई ना कोई फैक्टर चेंज करता रहेगा वो।